हेलो स्टूडेंट वेलकम टू द मई चैनल स्टूडेंट ये वीडियो आपकी ना जीएस बेस्ड रहेगी जिसमें कुछ हिस्ट्री बेस्ड और साइंस बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं तो जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं तो वीडियो को पूरा देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें सब्सक्राइब करना ना भूलें शेयर करें लाइक करें कमेंट करें तो पहला क्वेश्चन आज की वीडियो का हमारे पास है कि पेंसिलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेंसिलिन किस चीज से एक्सट्रिक्ट किया जाता है एक्सट्रैक्ट किया जाता है मतलब बनाया जाता है या लिया जाता है तो जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर क्वेश्चन आपके सामने है क्या वो यीस्ट है एल्गी है फंगस है या लिचीन है जल्दी से बताएं तो पेंसिल जो बनाया गया था वो फंगस से बनाया गया था तो सी इज द राइट आंसर का इस्तेमाल यीस्ट ना हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया में मैं मान के चलूंगा इनको ये फ्रेंडली एंजाइम्स में आते हैं और यीस्ट का इस्तेमाल करके हम केक ब्रेड और आटे को खट्टा करने के लिए यूज किया जाता, जाता है इसमें ठीक है याद रखेंगे आप यीस्ट यूज किया जाता है वहां पर ठीक है चलिए उसके बाद जो लिचिस आती हैं ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप प्रोड्यूस करती हैं दो चीज़ों के बीच में किसके बीच में फंगस और एलगी के बीच में ठीक है फंगी Fung, और इसके एलगी के बीच में नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द अफेक्ट ऑफ एंटीजन इन एन इल पर्सन ठीक है एंटीजन ना एक प्रोटीन होती है एंटीजन क्या होती है प्रोटीन जिससे हमारे ब्लड ग्रुप वगैरह बनते हैं ठीक है तो वो प्रोटीन का क्या क्या हमारी बॉडी में इफेक्ट होता है उसकी बात है यहाँ पर क्वेश्चन सामने आंसर देने की कोशिश करें क्या इसका आंसर इट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यू है या फिर इट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एंटी बायोटिक्स है इट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एंटी सीरम अगेंस्ट बैक्टीरिया है या इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया है जल्दी से बताएं इसका आंसर तो इसका जो आंसर है स्टूडेंट वो है डी डी इज द राइट आंसर इट प्रिवेंट द ग्राउथ ऑफ़ द बैक्टीरिया हमारी बॉडी में बैक्टीरिया की ग्राउथ को रोकने के लिए हमारी बॉडी में जो मेन काम करता है वो कौन चीज है वो एंटीजन क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 63 व्हिच अमंग द फॉलोइंग हेल्प इन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हमारी बॉडी में कौन सी चीज इनमें से ब्लड को सर्कुलेट करने में मदद करती है क्या वो आरिथ्रोसाइट्स है या ब्लड प्लेटलेट्स हैं या मोनोसाइट्स हैं या लिम्फोसाइट्स हैं जल्दी से कमेंट करें इनका आंसर इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करें तो सही जो आंसर है वो है लिंपोसाइट लिंपोसाइट हमारी बॉडी में मदद करते हैं ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए वट डू यू मीन बाय ब्लड प्लेटलेट्स ब्लड प्लेटेलेट

कौन सा इनमें से एलिमेंट है जो इंक्रीज करता है क्या पानी को ज्यादा एब्जॉर्ब करवाना या कैल्शियम को ज्यादा एब्जॉर्ब करवाना प्लांट्स में क्या इनमें क्या आंसर रहेगा वो मैंगनीज है बोरोन है कॉपर है या मोलिबिडनम है जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करें तो इसका जो राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट वो है आपके पास स्टोरेट लास्ट वीडियो मैंने लास्ट क्वेश्चन जो था इसी वीडियो में जो लास्ट वाला क्वेश्चन है सिक्सटी थ्री ये थोड़ा रॉन्ग है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की जगह आप कर दोगे क्लॉटिंग ऑफ ब्लड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड ना हमें ब्लड वैसल्स मदद करती हैं तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आएगा अगर तो बी इसका राइट right आंसर रहेगा ये क्वेश्चन इसका आंसर जल्दी से करें तो सिक्सटी फोर का जो राइट right आंसर था वो था बी बोरोन इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्सटी फाइव पिचुटरी ग्लैंड इज लोकेट इन पिचुटे ग्लैंड कहाँ पर पाया जाता है ब्रेन किडनी लीवर इंटेस्टाइन सबको पता होगा ये पी शेप

तो इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट वो है आपके पास ए कितना रहेगा फोर्टी टू सिक्सटी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे इफ द डायमीटर ऑफ कैपिलरी इज डबल देन द राइज ऑफ वाटर इन इट विल बी अगर डायमीटर ऑफ कैपिलरी जो रहती है ट्यूब्स वगैरह हमारी बॉडी में वो डबल हो जाएगा तो राइज ऑफ़ वाटर उसमें कितना हो जाएगा टू टाइम हाफ फोर टाइम या नो चेंज जल्दी से कंप्लीट करें इसका आंसर तो इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट वो है बी कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा ठीक है तो क्या हो जाएगा वो हाफ हो जाएगा याद रखें चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है uh, कह रहा वाई द नीडल ऑफ आयरन स्विम ऑन वाटर सरफेस व्हेन इट इज केप्ट जेंटली तो क्या इसका आंसर रहेगा ए बी सी या डी जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें तो इट इज इसका जो राइट आंसर रहेगा ना वो रहेगा ड्यू टू सरफेस टेंशन ठीक है सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेयर द फोर्स एंड विलॉसिटी ऑफ़ द विंड सिक्सटी नाइन क्वेश्चन जल्दी से इसका आंसर करें इंस्ट्रूमेंट यूज़ टू मेयर द फोर्स एंड विलॉसिटी ऑफ द विंड ठीक है फोर्स एंड विलासिटी ऑफ विंड यूज़ करने मतलब मेयर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है एम मीटर तो करंट मेयर करता है ऑडियो मीटर तो सीधा सीधा आवाज़ का हो जाएगा इन दोनों में से कौन सा रहेगा अनिमोमीटर या अल्टी मीटर जल्दी से इसका आंसर करें सिक्सटी नाइन का तो राइट आंसर रहेगा बी नीमोमीटर इज द राइट आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर सेवेंटी क्वेश्चन पढ़ लीजिए सामने और जल्दी से आंसर दीजिए इसका ठीक है कह रहा है फॉर टेलीविजन ट्रांसमिशन द फ्रीक्वेंसी इंप्लॉयड इज नॉर्मली इन द रेंज जो फ्रीक्वेंसी इंप्लॉय की जाती है ना उसकी कितनी रेंज रहती है टेलीविजन ट्रांसमिशन की फ्रीक्वेंसी की कितनी रेंज होती है जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या हो सकता है तो इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट वो है सी थर्टी टू थ्री हंड्रेड मेगा हजर तक रहती है ठीक है याद रखना जीएसट का मतलब क्या होता है गीगा हजट ठीक है और किलो हजर आ गया ये ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंटी वन विच इज मोस्ट एसिडिक इन सब में से ज्यादा एसिडिक कौन सी है ए बी एस सी जल्दी से आंसर करें तो सबसे ज्यादा जो एसिडिक होगा इनमें वो है ए एम क्लोरोफिनोल एम क्लोरोफिनोल इज द राइट आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर सेवनटी टू क्या कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल क्वांटिटी इनमें से कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है ठीक है फंडामेंटल क्वांटिटी ना हमारे पास कितनी थी लेंथ मास और क्या होती है टाइम कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है तीन तो लेंथ मास टाइम में बी इज द राइट आंसर सीधा सीधा ठीक है व्हाट इज फोर्स फोर्स क्या होता है पुश आर पुल टू एन ऑब्जेक्ट पुश और पुल देने वाला इंसान कौन था न्यूटन तो ऐसा यूनिट क्या होगी न्यूटन एन लगा होगा साथ में तो विलॉसिटी क्या होती है विलॉसिटी होती है स्टूडेंट विलॉसिटी होती है रेट ऑफ एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ठीक है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं विलॉसिटी ठीक है तो वॉल्यूम तो सबको पता है कैपेसिटी को वॉल्यूम कहते हैं ठीक है और वॉल्यूम जो है ना हमारे पास अब बात करूं डेंसिटी तो एक फॉर्मूला और बनता है डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम ठीक है मास अपॉन वॉल्यूम तो वॉल्यूम ऊपर डेंसिटी नीचे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बन सकता है मास अपॉन डेंसिटी ये भी आ सकता है एक नया फॉर्मूला चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंटी थ्री बेरियम सल्फेट इज लेस सोलबल इन वाटर ड्यू टू ठीक है किसकी वजह से हो सकता है हाई इनफ्लेमेबल एनर्जी लो एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन लो इनफ्लेबल एनर्जी या आइनिक बॉन्ड की वजह से बैंड नहीं होगा ये आयनिक बॉन्ड होगा चलिए नेक्स्ट जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है स्टूडेंट तो ए इज द राइट आंसर हाई एनर्जी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास व्हाट इज द नेम ऑफ सिस्टम व यूजर रेडियो एक्टिविटी टू डिसाइड द पीरियड ऑफ मटेरियल ऑफ अ प्री हिस्टोरिक पीरियड जल्दी से बताएं वो क्या था रेडियम डेटिंग यूरेनियम डेटिंग कार्बन डेटिंग और ड्यूटेरियम डेटिंग जल्दी से बताएं इसका राइट right आंसर क्या रहेगा सेवनटी का राइट right आंसर सेवेंटी फोर का राइट आंसर है कार्बन डेटिंग कार्बन डेटिंग से हम ये बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी ओल्ड है याद रखना मतलब ज़मीन से जब किसी चीज़ को निकाला जाता है तो उसकी पुरानी डेटिंग बताने के लिए कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है ठीक है और ड्यूट्रियम इज द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन ये भी याद रखेंगे चलिए तो कह रहा है सेवेंटी फाइव क्वेश्चन विच फॉर्म ऑफ आयरन हैज गोड द हाइस्ट कार्बन कंटेंट इनमें से कौन सी कार्बन की फॉर्म है जिसमें ज्यादा कार्बन कंटेंट पाया जाता है ए है बी है सी है डी है इसका आंसर जल्दी से कमेंट करें तो सेवनटी फाइव का जो राइट right आंसर है वो कास्ट आयरन इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंटी सिक्स द गैस डेट गिव बेंजीन ऑन पासिंग थ्रू अ रेड हॉट ट्यूब इज मिथेन इथेन इथलाइन एसिटलाइन क्या इसका राइट आंसर रहेगा राइट आंसर इज डी सेवेंटी सिक्स का राइट आंसर डी है एसिटी इज द राइट आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द कंप्यूटर इज मेनली एसोसिएटेड विद द कन्वर्शन ऑफ एनालॉग आउटपुट इन टू डिजिटल फॉर्म छोड़िए ये हमारे सिलेबस में नहीं है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द जेनेटिकली इंजीनियर गोल्डन राइस इज रिच इन विच ऑफ द फॉलोइंग ये जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड होते हैं और उनमें से कह रहा है कि एक राइस है ठीक है गोल्डन राइस गोल्डन राइस में क्या चीज़ आपको नहीं मिलेगी बाकी वाले राइस में से विटामिन ए निकोटीन एसिड बी कैरोटीन विटामिन ए फोलिक एसिड बी कैरोटीन एंड आयरन विटामिन ए एंड नियासिन जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर तो 78 का राइट आंसर रहेगा वो है बी तो ये चीज़ें उसके अंदर पाई जाती हैं याद रखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन कह रहा है कि विच आर वन ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल नाइव्स केमिकल नाइव मीन्स इज और यूज इन जेनेटिकल इंजीनियर किस चीज़ को यूज़ करते हैं पोलीमरिस लिगेस एंडोन्युक्लिस प्लाजमिक जल्दी से बताएं इसका आंसर तो इसका आंसर जो है वो है सी एंडोन्युक्लिसिस एंडोन्युक्लिस का इस्तेमाल करके हम डीएनए को कट करते हैं किसी भी एक साइड पे याद रहेगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है तो वोड सत्य स्टेट एम्ब्लम ऑफ इंडिया टेकन फ्राम किससे लिया गया था उपनिषाद से ऋगवेदा से से या रामायणा से जल्दी से इसका आंसर करें तो उपनिषाद इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग क्राफ्ट मैनशिप वॉज नॉट प्रैक्टिस बाय द आर्यन इनमें से कौन सा क्राफ्टमैनशिप जो थी वो प्रैक्टिस नहीं होती आर एन के थ्रू पोट्री ज्वेलरी कारपेंट्री या ब्लैक स्मिथ जल्दी से बताएं एटी वन का राइट आंसर तो इसका जो राइट आंसर है सी है कारपेंटरी इज द राइट आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे एटी टू क्वेश्चन कह रहा है मोहम्मद बिन कासिम कंक्यूड सिंध इन ईयर मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को अपने कब्जे में किया कब किया तो वो था सेवन हंड्रेड ट्वेल्व को याद रखिए अगला क्वेश्चन 83 थ्री कह रहा है शाहजहां बिल्ड द मोती मस्जिद शाहजहां ने कौन सी मस्जिद बनाई थी मोती मस्जिद तो एक और क्वेश्चन मिल गया यहाँ से शाहजहां क्या बनाई मोती मस्जिद कहाँ बनाई है दिल्ली में जयपुर में आगरा में अमरकोट में जल्दी से इसका आंसर करें तो 83 थ्री का द राइट आंसर रहेगा सी आगरा में बनाई है याद रखना मोती मस्जिद अगला क्वेश्चन वेन महात्मा गांधी वाज अरेस्टेड अमंग द फोलिंग टुक अवर लीडरशिप ऑफ साल्ट सत्याग्रह साल सत्याग्रह के टाइम पे जब गांधी अरेस्ट हो गए थे तो लीडरशिप का काम किसने लिया था सारी बागडोर किसने ली थी विनोबी विनोबा भवे ने सरदार वल्लभ भाई पटेल अब्बास तैयब जी या मौलाना अबुल अब्दुल कलाम आजाद जल्दी से इसका आंसर करें 84 का क्या राइट आंसर रहेगा सी अब्बास तैयब जी द राइट आंसर जब साल सत्याग्रह हुआ गांधी जी को अरेस्ट किया गया तो इस आदमी ने ठीक है लीडरशिप ले ली थी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन था हु वाज द लीडर ऑफ बरदोली सत्याग्रह बरदोली सत्याग्रह जो इंडिया में हुआ इसका लीडर कौन था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पंडित जवाहरलाल नेहरू सरदार वल्लभ भाई पटेल या आचार्य जे बी कृपलानी जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर तो इसका जो राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट एटी फाइव का वो है सी सरदार वल्लभ भाई ठीक है याद रखना बरदोली सत्याग्रह किसने किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ठीक है याद रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू वेन वी See rainbow. Science based question. We face sun and raindrop. The sun remained behind us and we face raindrop. In light rainfall, we face sun and the sky remained clear. And the सन इज एट लोअर पोजिशन इन द स्काई क्या आंसर रहेगा इसका एट्टी सिक्स का तो एट्टी सिक्स का राइट आंसर स्टूडेंट है बी द सन रिमेन बिहाइंड दस सूरज पीछे होगा और सूरज के सामने वाले फेस पे क्या बनता है रेनबो बनता है ठीक है तो हमारा फेस रेनड्रॉप की तरफ होगा अगला क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज टू रिगार्डिंग इंटरनेशनल डेट लाइन ठीक है कह रहा वो इट इज़ वन एटी डिग्री लॉन्गिट्यूड ये तो होता नहीं है वो इंटरनेशनल डेट लाइन वो डेट लाइन है जो ना थोड़ी ऐसी टेडी मेडी आएगी पैसिफिक क्वेश्चन से गुजरते हुए इसके इधर अगर दिन है तो इधर रात होगा मतलब कि उस इंटरनेशनल डेट लाइन के एक तरफ पे डे होगा तो डेफिनेटली दूसरी तरफ क्या होगा नाइट होगी तो इससे हम टाइम का भी पता कर सकते हैं इससे हम टाइम का भी पता कर सकते इस की ये डेट लाइन है ठीक है और ये ना किसी भी बाउंड्री को टच नहीं करती है लैंड बाउंड्री को टच नहीं करती है लैंड को टच करके नहीं निकलती इसी वजह से टेडी बनी है ठीक है नॉर्थ से साउथ तक ये स्टेट लाइन है ये भी नहीं होगा वन भी नहीं है बिग सर्कल है नहीं है यह करोड लाइन बियोइंड अर्थ डी इज द राइट आंसर चलिए अगला क्वेश्चन तो प्लेनेट वॉटर साइकिल इज अवेलेबल ठीक है यह तो पता ही अर्थ इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एटी नाइन जल्दी से आंसर करें इसका विच ऑफ द फोलिंग सिटी इज दिचुएटेड ऑन द फार्थेस्ट अस्ट स्ट फॉर्थेस्ट ईस्ट इनमें से कौन सी है लखनऊ है जबलपुर हैदराबाद है चेन्नई है जल्दी से बताएं एटी नाइन का जो राइट आंसर है वह ए लखनऊ इज द राइट आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच अमंग फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज नॉट सिचुएटेड इन द टेराई ऑफ उत्तर प्रदेश इनमें से कौन सा टेराई ऑफ उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है तराई रीजन वो जहाँ पे रिवर ऊपर से नीचे उतरता है ना तो रिवर मतलब गायब हो जाता है और जहाँ से फिर से रीमर्ज होता है सामने आता उस है उस रीजन को तराई कहते हैं तो इनमें से कौन सा नहीं है जल्दी से बताएं मुझे पीलीभीत बैरेज लखमीरपुर हरदोई क्या इसका राइट आंसर रहेगा नाइन्टी का डी इज द राइट आंसर हरदोई इज द राइट आंसर ये ये नहीं है उसका बाकी सारे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे इन इंडिया साइबेरियन क्रीन जो है कैन बी फाउंड इन इंडिया में साइबेरियन क्रेन किस जगह पे पाया जाता है संसगीर बर्ड आ, सेंचुरी में रथम्ब्लोर बर्ड सेंचुरी में दचिगाम पार्क में या देवा घना बर्ड सेंचुरी में जल्दी से बताएं इसका आंसर तो जो 91 है इसका नाम है इसका आंसर है डी ठीक है तो ब्लैक क्रेन पहले किस स्टेट का ब, नेशनल स्टेट बर्ड था वो कमेंट करेंगे तो उस स्टेट का अब का कौन सा है वो भी कमेंट करेंगे आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 92 कह रहे विच आर विच द विच अमंग द फॉलोइंग राइट कम इन टू द कैटेगरी ऑफ पब्लिक इलीगेशन पटिशन बिफोर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कौन से राइट जो है वो आप लेके जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास इनमें से जल्दी से बताएं इसमें आंसर क्या रहेगा नाइन्टी टू का तो नाइन्टी टू का ऑप्शन सारे ने, सबने पढ़ लिया होंगे तो इसका जो आएगा अगेंस्ट अनरल टॉपिक वो लेके जा सकते हो अगे है स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज अश्योर इन है शोर की जाती है स्टेबिलिटी क्या वो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है प्रोजाइडल और प्लूरल है या डायरेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी जल्दी से बताइए इसका राइट right आंसर इसका राइट right आंसर क्या रहेगा बी प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट किस तरह की है वो है प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए कुछ क्वेश्चन ये है और विच गेम टाइगर वुड इज फेमस किस गेम में टाइगर वुड जो है वो फेमस होती है बास्केटबॉल फुटबॉल गोल्फ या पोल वॉल जल्दी से कमेंट करें 96 का राइट right आंसर तो 96 का राइट right आंसर है सी गोल्फ में किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन किस मौसम में जो प्रोफिट आ, आ, क्या थे पैगंबर क्या थे प्रोफिट थे उनके हेयर रखे गए थे अजमेर अहमदाबाद श्रीनगर या फिर मक्का तो राइट आंसर इसका रहेगा स्टूडेंट श्रीनगर में है वो मस्जिद ठीक है तो आप कमेंट करेंगे उस मस्जिद को क्या कहते हैं हु बाउट द कश्मीर फ्रॉम द ब्रिटिश किसने लिया था इसको ठीक है गुलाब सिंह ने सबको पता है इसका अगला क्वेश्चन विच वन इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द जम्मू एंड कश्मीर सबसे बड़ा कौन सा रिवर है जम्मू एंड कश्मीर में इंदुस झेलम चिनाब या डोडा डोडा तो रिवर नहीं है ठीक है नाइन्टी नाइन का आंसर जल्दी से कमेंट करें सी इज़ द राइट आंसर चिनाब जम्मू कश्मीर का बड़ा रिवर हेमिश नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर किसके लिए फेमस है हेमिश है नेशनल पार्क गोल्डन ईगल टाइगर वॉल्फ स्नो लिपिट जल्दी से कमेंट करें द तो राइट आंसर है स्नो लिपिट इज़ द राइट आंसर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो